प्रिंसेस अर्चना भालेराव, वेलकम टू माय चैनल दैट इज स्वीट ओजल। आज हम छठवीं कक्षा की हिंदी की कविता देखेंगे, सीबीएसई बोर्ड की। कविता का नाम है सुख की कुंजी। सुख की कुंजी का मतलब सुख की चाबी। यह कविता भगवती प्रसाद मिश्र इन्होंने लिखी है। तो आइए हम सबसे पहले इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। किंतु आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, ताकि आपको अगले लेटेस्ट वीडियो की जानकारी जल्द से जल्द मिल जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग का स्टार्ट करते हैं। भगवती प्रसाद मिश्र, इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेंगे। भगवती प्रसाद मिश्र, उनका जन्म 1896 में हुआ है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हुआ था। वे एक सफल लेखक और निर्देशक रहे हैं। लेखक और निर्देशन के अलावा उन्होंने चित्रकारी करना भी पसंद था। उनका झुकाव फिल्म निर्देशन की ओर अधिक था। उनकी प्रमुख फिल्मों में द्रौपदी, अरुणोदय, एक अबला आदि है। उनका मृत्यु 1932 में हुआ था। ठीक है, चलिए हम फिर कविता पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कविता का नाम है सुख की कुंजी। तपती धरती, तपता अंबर, कन कन बना अंगारा, झुलस रही हरियाली सारी, झुलस रहा जग सारा। पक्षी दुबक रहे नीड़ों में, पशु सभा पे जाते, छाया ही छाया पाने को, सिकुड़ रहे शर्माते। छाया सड़कों पर सन्नाटा, तपे जेठ की गर्मी, सूख गई दुब खेत की, नहीं नाम को नरमी। जेठ तपे तो बरखा आए, रिम झिम बरसे पानी, तपन मिटे धरती की सारी, लहरे खेती धानी। जो जन जितना कष्ट झेलते, उतना ही सुख पाते, तपना ही सुख की कुंजी है, सबको बतला जाते। तपना ही सुख की कुंजी है, सबको बतला जाते। कविता में से कुछ शब्दों के हम मीनिंग समझेंगे। झुलसना यानी जलना, नीर घोसला, सिकुड़ना सिमटना, जेठ मई जून का महीना, तपन कष्ट परेशानी, दुबकना छिपना, हाफना थकान से जल्दी जल्दी सांस लेना, सन्नाटा खामोशी सुनसान, दुब यानी घास, कुंजी, कुंजी का मतलब है चाबी। ओके फ्रेंड, मुझे लगता है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।